Kami mencoba masih menemukan ada solusi dari perhubungan. Again, no, bagi ma. Number two, bertanya. Ke, 9 kilogram, 557 gram, 5 kilogram, 430 gram. Yang pe kilogram atau gram itu sendiri yang digai ya, jadi kami harus pe tulisnya. Kilogram, kami terus tulisnya gram. Kilogram ke bawah tulisnya 9, gram ke bawah 557. फिर किलोग्राम के नीचे 5 और ग्राम के नीचे 420. अब इसे लिखकर क्या करेंगे? घटा लेंगे. घटाएंगे तो इकाई के 7 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7. 5 में से 2 घटाएंगे, 5 बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या, तो 5 में से 2 घटा सकते हैं. 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3. फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1. यहां कितना है? 9. नीचे कितना है? 5. तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4. तो आंसर कितना आया हमारा? 4 किलोग्राम 137 ग्राम. ख 48 किलोग्राम 429 ग्राम. ऋण 8 किलोग्राम 615 ग्राम. आइए इसे भी रख घटाकर देखते हैं. एक तरफ लिखेंगे किलोग्राम, एक तरफ लिखेंगे ग्राम. किलोग्राम के नीचे क्या लिखेंगे? 48. ग्राम नीचे लिखेंगे 629. फिर किलोग्राम के नीचे लिखेंगे 8 और इसके नीचे लिखेंगे 615. आइए इसे भी बताते हैं. 9 ऊपर क्या है? 9 नीचे क्या है? 5. 9 में से 5 घटा सकते हैं, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4. फिर यहाँ पे कितना है? 2. और नीचे कितना है? 1. तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1. और 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 0. फिर यहाँ पे कितना है? 8. 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0. और यहाँ पे कितना है? 4. तो आंसर कितना है? 40 किलोग्राम और 14 ग्राम. क्योंकि आगे सुनते हैं तो केवल क्या लिखेंगे? 14. तो आज हमने अध्याय 9 में किलोग्राम और ग्राम को घटाना पड़ा. तो जैसे मैंने सवाल समझाया वैसे ही बाकी सवालों को ध्यान से पढ़कर कॉपी में हल करें. थैंक यू.